शांति। तो ईर्ष्या हम तुलना करने जब जाते हैं एक दो से तब ईर्ष्या पैदा होती है। और यहाँ तो बाबा कहता है रीस करनी ही नहीं है, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग अलग है, कोई भी आत्मा का पार्ट आपस में बनता नहीं। हम सब इस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं और एक पत्ता ना मिले दूसरे पत्ते से। हर एक के कर्म प्रारंभ अपने अपने हैं, हर एक का भाग्य अपना अपना है, लेकिन रेस करनी है। किस चीज की रेस करनी है? रीस नहीं करने के लिए रेस करनी है पुरुषार्थ की। कैसे तीव्र पुरुषार्थ करके मैं बाप समान जल्दी से जल्दी बन जाऊं। जो भी पार्ट मुझे ड्रामा में मिला है, चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अब बाबा ने ऐसी कोई शर्त तो नहीं लगाई कि घर गृहस्थ में रह करके हम बाप समान नहीं बन सकते। कहा बाबा ने करने की, जो समर्पित हुए हैं सेलिब्रेट रहते हैं वही संपूर्ण संपन्न बन सकते हैं, और जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो संपूर्ण संपन्न नहीं बन सकते। ऐसा कभी कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा खुद ही घर ग्रस्त रहने वाले थे। बाबा ने अपनी सब जिम्मेवारियों को पूरा किया और 60 साल की आयु में, वो भी कोई बंधन नहीं कि हम तो वानप्रस्थी हैं, हमारी आयु तो अधिक है, अब हम थोड़ी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो युवा है वो तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम तो अब कितनी बीमारियां हमारे शरीर में लगी हुई है, क्या करेंगे? बाबा ने 60 साल की उम्र से पुरुषार्थ शुरू किया। जब श्री बाबा की प्रवेशता हुई तब बाबा की आयु कितनी थी? 60 वर्ष की आयु थी। और 93 साल की उम्र तक बाबा ने वो तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपनी कर्मातीत स्थिति को